3BRD के अंदर बड़े बड़े ऑफिसरों के नाक के नीचे औरतों से धंधा करवाया जाता है, और जो औरत धंधा नहीं करती उनके ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं, जैसे कि श्यामा मैडम के ऊपर बनाया गया। और यही नहीं, इसके ऊपर झूठा केस बनाया और उसके बाद सस्पेंड करने के बाद इसको सैलरी भी नहीं दी जा रही, और इसको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि ये किसी तरह से आत्महत्या कर ले। तो आप ये बताएंगे कि आपको 5 साल से सस्पेंड किया गया, तो आपको अभी तक कोई सैलरी मिली? जी नहीं, एक पैसा नहीं दिया गया। बार बार मैं अफसरों से भी मिली हूँ और सबसे मिल के आई हूँ, और मेरे से धोखे से साइन कोरे कागज पे कराए हैं कि आपको आधी तनख्वाह मिलेगी सस्पेंडी की। मैं प्रेजेंट थी 24 तारीख को और ड्यूटी पे थी। एक के वर्मा था, भौर सिंह था, उनमें कुछ क्लर्क भी थे, CGO को भी पता था, धीर सिंह इनको सबको पता था। वो आदमी बहुत ही गलत था और नहत नीच था। मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसने मुझे अंदर जेल में बिठवा दिया। जब उसके साथी और भी थे, कितने आदमी थे के वर्मा के साथ? साथी उसके सबको पता था, जसबीर को भी पता था, चंद्र प्रकाश को भी पता था कि ये गलत आदमी है, सुनील को भी पता था, रणधीर को पता था, डिस्ट्रिक्ट था उसको पता था, नेगी को पता था, श्रवण को पता था, आदि बिहारी को पता था कि वो बंदा गलत है। मैं तो भूखी मरती फिर रही हूँ, कहीं कहीं सोती हूँ, कहीं कहीं रहती हूँ। अभी तक आप जो खर्चा है वो लोगों से उधार ले लेके कह रहे हो, करा रहे हो, तो उसका अभी आपको ब्याज देना पड़ता होगा? देती हूँ ब्याज पे, जो मैंने वकील किए थे ब्याजों पे ठाया, 10 रुपये सैकड़े पे ठाया, और खाने के लिए नहीं है। कभी किसी के घर सो रही हूँ, कभी किसी के, ना दवाई का ना कुछ, भीख मांगती फिर रही हूँ। जब आपके ऊपर उन्होंने झूठा केस बनवाया, तब वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे? मैं 24 तारीख को ड्यूटी करके अपनी कॉलोनी में गई, वहाँ पे एक लड़की जाति पाति पे मरी थी। वो किसी में हिंदू लड़के से प्यार करती थी, मुस्लिम थी, वो लड़की इसके करके जली और वो मेरे को भाग के गले के चिपट रही थी। आपके ऊपर उन्होंने झूठा केस बनाया, तो केस ये कह रहे हैं कि कॉलोनी का है, लेकिन वहाँ पर वर्मा और भंवर सिंह क्या कर रहे थे? जैसे मैं 24 तारीख को ड्यूटी करके गई घर, 3:30 बजे पहुंची, तो वो सजदा मेरे गले को चिपट रही थी भाग भाग के मारने। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, मैंने उससे गला छुटाया, सीधे थाने गई। थाने जाने के बाद मैंने बताया, सर ये 3 लेडीज मेरे को 3 दिन पहले ले गई थी और बाँह पकड़ के ले गई थी, झूठ बोलने लगी, और रेखा देवी मेरा बेटा मेरी बहू को मार रहा। बस मैं गई तो वहाँ पर 10-15 औरत बैठी थी और उनमें लड़के के साथ कोई लड़ाई नहीं था, बहू में लड़की में लड़ाई हो रही थी। मैं देखकर वापस आ गई। जब आप 24 को वहाँ पर गए, तब वहाँ पर क्या हुआ? 24 को आके मैं छुड़ा के अपनी जान बचा के सीधी थाने गई। थाने जाके मैंने इंस्पेक्टर को ये अपनी बीती हुई बताई और मैंने बोला, सर ये ऐसे ऐसे कहानी है, उधर के वर्मा और भौर सिंह बैठे थे, उन्होंने क्या बात करी मुझे नहीं पता। उसने इंस्पेक्टर ने बोला कि लड़की ने आपके कहने से सुसाइड किया कि आपने मोटी बोला और इसको गाली दी है, और रात को मुझे 24 को थाने में रात गुजारनी पड़ी। आपको इतना उन्होंने लाचार कर दिया कि आपको 5 साल से सस्पेंड करने के बाद भी उस बंदे के कहने पर आपको सैलरी तक नहीं दी, तो आपने कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि भी मैं भी सुसाइड कर लूँ? मैं कर सकती हूँ, मेरे में रह क्या रहा है, मैं तो धक्के खाती फिर रही हूँ, कुछ दिन के बाद सुसाइड कर लूँगी, ये लोग न्याय नहीं कर रहे, सुसाइड पे ही हो रहा है, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है। तो अभी जैसे ये लोग ये सोच रहे हैं कि भी आपका जैसे सुसाइड करना, या आपके मरने के बाद ये केस क्लोज हो जाएगा? हाँ यही चाहते, तो आपके हिसाब से ये केस ख़त्म हो जाएगा, यही चाह रहे हैं ये लोग। तो इसके बारे में आप ये नहीं चाहते कि मतलब इसकी अपील डाली जाए, SSP के पास डाली जाए, या DGP के? चाहती हूँ कि मेरा केस दोबारा खुले, मेरा सारी छानबीन होए और मेरा दोबारा केस की देखा जाए, मेरे पे वीडियो भी है देखें, क्योंकि मैं मदद मांगने गई थी और मेरा घरवाला नहीं था, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, और मैंने बगैर कसूर ने जेल काटी है। ये जो लड़की थी पहले भंवर सिंह के साथ भी 1 साल तक रही है? हाँ, ये लड़की पहले उसके लड़के इसके संगी रही, फिर वो किसी केस में अंदर हो गया था, फिर हमें नहीं मालूम वो शादी करना किससे चाहती थी,
उसने कैसे सुसाइड की ना मैं उसका नाम जानती। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लड़की उस चुंगल से बाहर निकलना चाहती थी और वो लोग उसको निकलने नहीं देना चाहते? उसकी माँ ने ही मारा उसको, पड़ोसी को पता है, अंगूरी देवी को भी पता है, निर्मला को भी पता है, मांगे को भी पता है, सुलिंदर को भी, उनकी माँ ने। 24 को आप ड्यूटी पे थे और वहाँ पर लड़की के पास लड़की की माँ और अंगूरी देवी और आपकी निर्मला देवी, ये तीन थी। हाँ जी। तो आग लगाने वाले तो इन तीनों में से ही होगा ना कोई? सर ये तीनों थे ना, हम लड़की का नाम जानते थे ना लड़की को जानते थे, नवे लोग आए थे वो, और मेरा 10 घर छोड़ के एक घर था। मेरी पूरी छानबीन करके देख लो, अभी भी छानबीन करने के मैं लिए बैठी हूँ ना, मैं लड़की को जानती थी बिल्कुल भी। मेरे को आरोप के केस में फंसा के जेल कराइए। और कुछ आप कहना चाहोगे? बस मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी कानून का मजाक ना उड़ाए और जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सामने ले आया जाए। तो इसी के साथ मैं तिमालडू न्यूज़ से डॉक्टर प्रदीप कुमार रामगढ़िया, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको प्रॉपरली इंसाफ मिले।